दोस्तों, चीन में हुए एक शोध में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को घर में रहने के बाद भी मास्क लगाकर रखने से रोका जा सकता है। ये शोध बीएमजे ग्लोबल हेल्थ जर्नल में छपा है। चीन के शोधकर्ताओं ने 124 परिवारों के करीब 460 लोगों पर ये शोध किया है। इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि घर में लोगों द्वारा मास्क लगाकर रखने से कोरोना संक्रमण की रफ्तार को 79% तक कम किया जा सकता है। हालांकि इस शोध में ये भी कहा गया है, यदि एक बार संक्रमित होने के बाद ये तरीका कारगर नहीं है, लिहाजा इसके लिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी जरूरी है। ये शोध को बीजिंग रिसर्च सेंटर फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने किया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण इंसान से इंसान के बीच तेजी से फैल रहा है। वहीं इसको लेकर लगातार हो रहे शोध में ये भी सामने आया है कि अब ये 6 मीटर की दूरी तक की दूरी तय कर सकता है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि इसको रोकने में तेजी दिखाई जाए। इस रिसर्च रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस महामारी को रोकने से बचाने के लिए घर में साफ सफाई भी बेहद जरूरी है। इसके मुताबिक जिन परिवारों को इस शोध के लिए चुना गया था उसमें से कोई न कोई सदस्य कोरोना संक्रमित पाया गया था। परिजनों ने ये भी बताया कि वो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के साथ कम से कम 4 दिनों तक रहे थे। दोस्तों, जो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको हमेशा ऐसे ही हमारे जानकारी से भरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।